हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है कैमरा टाइमर किस प्रकार से सेट करते हैं वो बताऊंगी। इस तरीके से आप भी कुछ टाइमर सेट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं वो बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। एंड इसके बाद आपको और आपको यहाँ देखते हैं परफेक्ट, आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके टाइमर पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से ऑफ होता है तो यहाँ पर कोई कैमरा टाइमर नहीं आता है। एंड यहाँ तक कि फ़ोटो में भी नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। एंड उसके बाद इस पर क्लिक करके मतलब कि इससे होता है कि एक ही फ़ोटो को फोकस करता है। उसके अलावा उस जो भी आपके सामने वो चीज़ थोड़ी झुंझली हो जाती है। एंड बाकी चीज़ें जो आपकी फ़ोटो एकदम क्लियर आती है जिसको आप फोकस करते हैं। एंड यहाँ पे टाइमर भी दिख जाता है, 10 सेकंड 3 सेकंड अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और उसके बाद फोटो किसी में भी जाएंगे तो यहाँ पर टाइमर लगा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने हिसाब से कैमरा टाइमर लगा सकते हैं। एंड देख सकते हैं इस तरीके से। एंड इसके बाद इसे होम करेंगे। एंड इसके बाद इसे हटा देंगे ताकि दोबारा टाइमर ऑप्शन ना आए, तो उसे वापस इसी पर जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स। एंड इसके बाद इसके टाइमर पर जाएंगे, इसे ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में कैमरा टाइमर को ऑफ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आएगा किस प्रकार से कैमरा टाइमर का यूज़ करते थे मतलब यूज़ करते थे। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक ही नमस्कार।